तो गाइस अगर आप लोग भी ये RJ45 ये कनेक्टर बनाना चाहते हो अच्छे तरीके से, आप लोगों में प्रॉपरली ये काम करे, तो इसमें आपको इस वीडियो के अंदर मैं अच्छे तरीके से एकदम सरल तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ये कनेक्टर किस तरीके से फिक्स किए जाते हैं, यहाँ जो ये वायर होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक टूल या क्रिम्पिंग टूल यूज़ कर रहा हूँ। इस क्रिम्पिंग टूल आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है ये। तो इसके साथ में हमें एक कटर मिलता है छोटा सा, जो हमें वायर को छीलने के लिए, तो बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों को। और साथ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो ये RJ45 जो कनेक्टर है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरफ से हमें इन्हें वायरों को डालना है और पंचिंग करना है। और देख लीजिए, दो कनेक्टर ले रहा हूँ और ये एक लीड है जिसपे अभी नहीं बनाया है मैंने, तो अब बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके के अच्छे कनेक्टर बनाओगे तो आप लोगों प्रॉपरली इंटरनेट में वर्क कर पाएगा या IP कैमराज कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलो इन वायरिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों क्या इस तरीके का जो ये कटर मिलेगा, इसे इसे छील लेना है वायर को यहाँ से। इतना सा आप लोगों इतना ही करना है। और इसके बाद में जैसे ही आप इस कवर को इस तरीके से निकल जाएगा आसानी से, और कर दीजिए निकलने के बाद में आप लोगों क्या करना है, इस वायर को अच्छे तरीके से छील लेना है गाइस। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी, इन सब जो ये पैर, इन पैर चार पैर, इन पैर को आप लोगों को एक बार नीचे की साइड कर लेना है। और जो बीच में आप लोगों को इनमें जो सॉकेट चाहिए बीच में मिलता है, जो वायर को एक साथ में कनेक्ट नहीं होने देता है, जो इसमें डाटा और ये पावर के हैं, तो इनके बीच में ये सपोर्टेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैंने कट कर दिया, इन वायर एक एक को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे इन दो वायर हैं, इन दोनों को अलग कर लिया इस तरीके से, और इनको हमें सेट करना होगा क्रम वाइज। तो एक बार इन्हें सबको अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद में इनको क्रम वाइज से सेट कर देंगे। उसी के बाद में आप लोगों को ऑरेंज को सेट कर देना है, तो ऑरेंज ले लिया हमने इसी के बाद में, तो हमारी ये एक पैर हो गया। अब इसी के बाद में हमें यहाँ पे लेना होगा ये वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन के बाद में आप लोगों को लेना होगा यहाँ पे विलो। तो आप लोग थोड़ी सी गलती करते, इसे आप लोगों इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे लेना होगा इस तरीके से। तो आपके इसी के बाद में आप लोगों को वाइट विल्यू लेना है, वाइट विल्यू आ गया। तो इसके बाद में आप लोगों को ग्रीन लेना है, इसी के बाद में आप लोगों को यहाँ पे वाइट ब्राउन लेना है, और इसी के बाद में पीछे की तरफ जो सबसे पीछे का जो वायर है ब्राउन है। तो इस तरीके से इन कलर को सेट करने होंगे। तो आप लोगों को इस यहाँ तक इन्हें कट कर लेना है, यहाँ तक। जैसे इनको कट कर लो, तो गाइस आप लोगों ने ये सॉकेट है RJ45 कनेक्टर, तो यहाँ पे आप लोगों इस वायर को कुछ इस तरीके से रखिए, और इसे प्रॉपरली अंदर की तरफ धकेलिए इस तरीके से। और ध्यान रखना है यहाँ पे जो सारे वायर हैं यहाँ पे टच हो जाने चाहिए आगे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो मेरे जो सारे वायर हैं वो आगे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है, और यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमारा ये कनेक्टर बनके तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। कंप्लीट जो वायर है वो आगे की तरफ निकल गए हैं, और इस तरीके से हमारी ये पिन बनके तैयार हो गई है अच्छी तरीके से, हमारे जो ये कनेक्टर है RJ45। और अंदर की तरफ ये केप इतनी ढल जानी चाहिए अंदर की तरफ, जिससे कि मजबूती मिल पाएगी गाइस यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कनेक्टर बना सकते हो आप अपने लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड या किसी भी डिवाइस के लिए, राउटर के लिए। तो गाइस आई होप बस आप लोग इस कनेक्टर को बनाना सीख गए होगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।